पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले 150 दिनों तक चली भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं। ये यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होगी। मणिपुर से शुरू हो रही कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा 65 दिनों के लिए 14 राज्यों में जाएगी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस यात्रा को समाप्त किया जाएगा। लेकिन मणिपुर से ही क्यों, यूपी, एमपी या राजस्थान से क्यों नहीं? आखिर क्यों राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 को मणिपुर से ही शुरू करने का फैसला किया गया? चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। भारत न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए मुंबई पहुंचेंगे। इस बार कांग्रेस के प्लान के मुताबिक यात्रा पूर्व से पश्चिम होगी, जबकि भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण से उत्तर हुई थी। लेकिन सियासी तौर पर अशांत मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत आखिर क्यों हो रही है? ये सवाल पैदा करती है कि आखिर किन कारणों से राहुल गांधी मणिपुर को चुन चुके हैं। इस बार कांग्रेस के प्लान के मुताबिक यात्रा पूर्व से पश्चिम होगी, जबकि भारत जो यात्रा दक्षिण से उत्तर हुई थी। लेकिन सियासी तौर पर अशांत मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत पर यह सवाल पैदा होता है कि किन कारणों से राहुल गांधी ने मणिपुर को यात्रा की शुरुआत के लिए चुना। इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जून का महीना, जब राहुल गांधी मणिपुर का दौरा करने पहुंचे थे, उस वक्त मणिपुर में जातीय हिंसा चरम पर थी। हर दिन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। तमाम वीडियोस और फोटोज ये बता रहे थे कि मणिपुर में नफरत की आग कैसे फैल चुकी है। तब वहां सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेताओं को भी लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा था। राहुल गांधी को भी वहां दौरा करने के लिए मना कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद भी वो वहां पर गए और सुरक्षित लौट भी आए। राहुल गांधी विस्थापित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे थे। उनके कई भावुक कर देने वाले वीडियोस भी सामने आए। राहुल ने कहा था कि मणिपुर के घाव भरने की जरूरत है। मणिपुर मामला फिलहाल सुर्खियों से गायब है। ऐसे में मणिपुर से यात्रा की शुरुआत को कांग्रेस का सियासी निशाना भी माना जा सकता है। आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस मणिपुर के हालातों को लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर सकती है। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मणिपुर के सवाल पर मीडिया को बताया कि हम मणिपुर में हुए घावों को भरने की कोशिश करना चाहते हैं। ये यात्रा प्रेम और स्नेह के लिए है, ये कोई राजनीतिक या चुनावी यात्रा नहीं है। मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष भड़क उठा था और तब से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोगों को राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, लेकिन वक्त वक्त पर विपक्ष इस पर सवाल उठाता रहता है।